जय श्री हरि विष्णु। नाभुक्तम क्षीयते कर्मम कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों तक भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अतः मनुष्य को अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, यही विधि का विधान है। क्योंकि कर्मों का फल कर्म करने वाले को दिए बिना नहीं रहता है। जिन कर्मों का फल वर्तमान जन्म में फलित नहीं होता है, उसको भोगने के लिए उचित समय पर वर्तमान शरीर का त्याग करके नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। इसी को पुनर्जन्म कहा जाता है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की प्रस्तुति में हम आपको कर्मों की गति अर्थात कर्मों के अनुसार मिलने वाले सुख दुख के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। गरुड़ देव ने श्री हरि से प्रश्न किया कि हे सुर श्रेष्ठ, मनुष्यों को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग तथा सुख एवं रूप बल बुद्धि एवं पराक्रम पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। ये समस्त प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य और अच्छे कर्मों से ही प्राप्त होते हैं, ये वेदवाक्य सर्वथा सत्य हैं। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सत्कर्म से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टतम होता है, उसका मनुष्य जीवन भी उतना ही श्रेष्ठतम होता है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्मफल के अनुसार जीव पाप का भागी होता है, वह जिन जिन योनियों को जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। हे कृपा निधान, आप मुझे यह सब ज्ञान देने की कृपा करें। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे कश्यप पुत्र गरुड़देव, शुभ अशुभ फलों के भोग के उपरांत जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होते हैं, अब तुम उनका वर्णन सुनो। हे पक्षी श्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है, दुरात्माओं का शासक राजा है और गुप्त रूप से पाप करने वाले प्राणियों के शासक सूर्य पुत्र यम है। अपने पापों का प्राश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहाँ की यातनाओं से विमुक्त होकर प्राणी मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों के जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, मैं उन लक्षणों को तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सभी पापी यमपुरी में पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनके पापों का भावी शरीर पर चिन्हांकन होता है। उन्हीं चिन्हों से संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वी लोक में जन्म लेते हैं। जैसे असत्यवादी हकलाकर बोलने वाला, गाय के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, ब्रह्म हंता कोढ़ी, मद्यपान करने वाला, काले रंग के दांतों वाला, स्वर्णचोर कुत्सित एवं विकृत नखों वाला और गुरु पत्नी गामी चर्म रोगी होता है तथा पापियों से संबंध रखने वाला निम्न योनि में जन्म लेता है और दान न देने वाला दरिद्र, अयाज्य का यज्ञ करने वाला ब्राह्मण ग्राम सूकर, अनेकों यज्ञ एक साथ करने या करवाने वाला गधा और बिना बुलाए भोजन करने वाला कौवा होता है। दूसरे के हिस्से का भोजन ग्रहण करने वाले निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत तर्जना देने वाले पापी बिलार, कक्ष को जलाने वाला जुगुनू, पात्र को विद्या न देने वाला बैल, ब्राह्मण गुरु और बुजुर्ग को बासी अन्न देने वाला कुत्ता, दूसरे से ईर्ष्या करने वाला और पुस्तक की चोरी करने वाला जात्यांध और जन्मांध होता है। दूसरे के हिस्से में आने वाले फलों की चोरी करने वाला मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है, तदंतर उसी के समान मुख प्राप्त करके पुनः मानव योनि में उत्पन्न होता है और गंडमाला के रोग से ग्रस्त रहता है। जो छीनकर स्वयं खा लेता है, वह संतान सुख से परेशान रहता है। वस्त्र की चोरी करने वाला गोह, विष देने वाला वायु भक्षी सर्प, संन्यास मार्ग का परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रम में प्रविष्ट हो जाने वाला मरुस्थल का पिशाच होता है। जल छिपाने वाले पापी को चातक, धान्य के अपहरणकर्ता को मूषक और युवावस्था को प्राप्त न हुई कन्या का संसर्ग करने वाले को सर्प की योनि प्राप्त होती है। विश्वासी को धोखा देने वाला निश्चित ही गिरगिट होता है।
जो व्यक्ति जल प्रपात के स्थान को तोड़कर नष्ट करता है वह मत्स्य होता है। न बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है वह बगुला तथा गिद्ध होता है। दुर्गुणी व्यक्ति भेड़िया और खरीदी जा रही वस्तु में छल करने वाला उलूक की योनि प्राप्त करता है। जो मृतक के एकादशाह में भोजन कराने वाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके द्विजों को दान नहीं देता है वह सियार होता है। चोरी करने वाला ग्राम सूकर चोरी का फल विक्रेता श्यामलता होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है वह बिलौटा, दूसरे का मांस भक्षण करने वाला रोगी, सुगंधित वस्तुओं की चोरी करने वाला दुर्गंध युक्त प्राणी होता है। दूसरे का थोड़ा या बहुत जिस किसी भी प्रकार से जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है वह उस पाप से निश्चित ही तिर्यक योनि में जाता है। हे खगेंद्र, इस प्रकार कई चिन्ह होते हैं, परंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकार के नरकों का भोग करके अवशिष्ट कर्मफल के अनुसार इन पूर्व कथित योनियों में जन्म लेता है। हे ताक्ष्य, मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है वैसा ही जीव का लक्षण है। चार प्रकार के प्राणी समूह में इसी प्रकार के परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है। उसी में शरीरधारियों का उद्भव और विनाश होता है। इस प्रकार इन सभी गुणों से युक्त होकर अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्व गति तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी प्राणियों की सद्गति अपने धर्म मार्ग पर चलने से ही होती है। हे विनीता पुत्र, देव और मानव योनि में जो दान तथा भोगादि की क्रियाएं दिखाई देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर अकर्म से और काम क्रोध के द्वारा अर्जित जो अशुभ पाप कर्म हैं, उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीव का उद्धार नहीं होता है। जीव का उद्धार केवल सत्कर्म से ही हो सकता है, क्योंकि यदि कर्म अच्छे हों तो अगला जीवन भी सुखमय मिलता है, और यदि कर्म बुरे हों तो अगला जन्म निश्चित ही दुखमय अर्थात कष्टप्रद मिलता है। मृत्यु के बाद केवल उसके कर्म ही साथ चलते हैं, बाकी सब कुछ यहीं छूट जाता है। तो यह थी कर्मों के अनुसार मिलने वाले सुख दुख के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।